बोकारो की चास थाना क्षेत्र के चीरा चास स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस दौरान 3 लोग भागने में सफल रहे। डीएसपी के मुताबिक घर में छुपकर साइबर अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन से अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने एंड्रॉइड तथा कीपैड मोबाइल 41 पीस, एयरटेल तथा जियो का सिम 36 पीस, लॉटरी के कूपन 4 बंडल, साथ ही विभिन्न कंपनियों के चार्जर 15 पीस, एटीएम कार्ड 3 पीस, रजिस्टर 2 पीस, कॉपी 17 पीस, स्पीड पोस्ट का बारकोड 1 पैकेट, मोहर 18 पीस, स्टाम्प 3 पीस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सबसे अधिक बिहार के लोग शामिल हैं। डीएसपी सदर परवीन कुमार सिंह ने कहा कि एसपी के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया तथा चीरा चास स्थित जवाहर सिंह के मकान में तलाशी ली गई। इस क्रम में जवाहर सिंह के मकान के ऊपरी तल्ले में 14 लोग मोबाइल के माध्यम से ठगी करते पकड़े गए। इस क्रम में 3 व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़ा गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि सभी लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आकर संगठित रूप से जाली दस्तावेज से मोबाइल सिम खरीद कर ठगी का काम पिछले 2 वर्षों से कर रहे थे। बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। वरीय पुलिस पदाधिकारी से गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त होगी कि चास थाना अंतर्गत चीरा चास में कुछ साइबर के लोग, अपराधी लोग कुछ योजना बना रहे हैं और ठगी का काम कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर चास थाना प्रभारी खुर्शीद जी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कन्हैया थे और चास थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी भी थे, शामिल थे। छापेमारी के क्रम में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग भागने में सफल रहे हैं, जिसके गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है, उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और पता चला कि ये लोग लॉटरी के नाम पर फर्जी कॉल करके ठगी का काम करते थे और इनके पजेशन से कुल 41 पीस एंड्रॉयड तथा कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है, 36 पीस एयरटेल और जियो का सिम बरामद किया गया है, लॉटरी का कूपन 4 बंडल बरामद किया गया है, विभिन्न कंपनियों का चार्जर 15 पीस बरामद किया गया है, 3 पीस एटीएम कार्ड बरामद किया गया है, रजिस्टर 2 पीस, कॉपी 17 पीस, स्पीड पोस्ट का बारकोड 1 पैकेट, मोहर 18 पीस और स्टाम्प पेड 3 पीस किया गया है। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये लोग बिहार से आए थे, नालंदा के बेन थाना के हैं, उल्लासगंज, मखदूमपुर, जहानाबाद जिला के, पटना के हैं और ये लोग लॉटरी के नाम पर लोगों को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते थे और उनसे फर्जी कॉल करा के पैसा हटने का काम करते थे। कितने लोगों को ठग चुके हैं तो क्या राशि का भी पता है? इनके रजिस्टर मिला है, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है और FIR दर्ज किया गया है, धारा 467, 468, 471 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि धारा 66D के तहत कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान के क्रम में और लोगों को ज्ञात किया जाएगा कि इनके द्वारा किनको विक्टिम बनाया।